कानपुर नगर से है। आदर्श नारी शक्ति फाउंडेशन के द्वारा बर्रा स्थित पीएस पैलेस में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम क्रांति सचान एवं जिला पंचायत सदस्य संजय सचान के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम क्रांति सचान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अपने संबोधन में बताया कि सरदार पटेल अन्याय सहन नहीं कर पाते थे। अन्याय का विरोध करने की शुरुआत उन्होंने स्कूली दिनों से ही कर दी थी तथा बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे सरदार पटेल को सत्याग्रह की सफलता का वहां की महिलाओं ने सरदार की उन्होंने उपाधि प्रदान की है। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों से बिखरे भारत के भू राजनीति एकीकरण के केंद्र भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लोह पुरुष भी कहा जाता है। फाउंडेशन के द्वारा जयंती के मौके पर डांडिया महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। संजय सचान के मुताबिक आदर्श नारी शक्ति फाउंडेशन के द्वारा निरंतर महिलाओं के उत्थान की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से रागनी प्रियंका कल्पना सुमन संतोषी सीमा त्रिपाठी अनुपमा मीना सचान आदि पद अधिकारी मौजूद रहे। आज आदर्श नारी शक्ति फाउंडेशन के तत्वावधान में आज डांडिया का प्रोग्राम आयोजित किया गया था और बुजुर्ग महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित है और साथ ही साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का प्रोग्राम आयोजित किया गया। डांडिया महोत्सव जो मना रहे हैं कितनी महिलाएँ शामिल हुई हैं? लगभग 100 महिलाएं इस कार्यक्रम में शिरकत की हैं और सबने एक कवित्री लिया है, उन्होंने अपनी कविता पाठ किया है और आज जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो देश को गौरवान्वित करने का काम कर रही है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, आज महिलाओं ने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक शपथ ली है कि उन्होंने तो देश को एकत्रित किया था, देश को संगठित किया था, हम कम से कम अपने घर अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को निश्चित तौर पर संगठित करने का काम किया। समिति कितने दिनों से कितने वर्षों से समाज के लिए काम कर रही है? लगभग एक साल हो गया ये संगठन अनवरत बच्चों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, उनके महिला सशक्तिकरण का काम ये संगठन। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।